Okay, so in the last lecture, we went over the concept of uh, Gauss's law and we tried to use Gauss's law in order to calculate the values of uh, uh, E for different types of uh, regular as well as irregular geometries or irregular charge distributions. Now, what we will try to do here uh, today is that we will try to uh, get a hold of uh, the concept of electric potential. Uh, what is electric potential? हमें पता है कि हम आज तक जो है वो वोल्टेज की बात करते हैं वोल्टेज जो है वो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान में जो है उसको हम वोल्टेज बोलते हैं अमूमन और इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स पर वर्क विद वोल्टेजेस एंड करंट्स आपको पता है हम हमेशा से ये काम करते हैं तो वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स इन द सर्किट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ वर्क और पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स मतलब अगर दो पॉइंट्स हैं हमारे पास और मैं कहता हूँ मुझे पता लगे कि इन दोनों पॉइंट्स के दरम्या में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज को एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना चाहता हूँ तो मुझे लेके जाने के लिए उसके ऊपर कितना वर्क करना पड़ेगा वो जो अमाउंट ऑफ वर्क है दैट आई हैड टू डू टू मूव दैट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टूअर्ड पॉइंट बी तो दैट वर्क पर यूनिट चार्ज दैट विल बी कॉल्ड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज या द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आप इसको बहुत ईजिली इमेजिन कर सकते हो फॉर uh, अगर एक मैथ आपके पास हो और आप कहते हो कि एक मैस है फर्ज कर लिया वो जमीन के ऊपर जो है वो आपके पास आ, पड़ा हुआ है ठीक है तो आ, ये एक मैस था और ये एक जमीन के ऊपर आपके पास जो है वो पड़ा हुआ था अब आपने क्या किया कि आपने इस मैस को यहाँ से उठाया और ऊपर ले आए और एक हाइट उसको दे दी जिसको आपने एच वन ठीक है अब ये एच वन हाइट तक जो है वो चला गया अब अगर आप ये देखना चाहते हो कि इस एच वन हाइट के ऊपर इसका पोटेंशियल क्या था या द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट ए विच वॉज ऑन द ग्राउंड एंड दिस पॉइंट बी विच वॉज सम ऑन सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एंड इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स तो वो क्या होगी द अमाउंट ऑफ वर्क दैट आई हैड टू डू इन ऑर्डर टू मूव दिस मैस फ्रॉम पॉइंट ए टूअर्ड्स पॉइंट बी तो द अमाउंट ऑफ वर्क दैट आई टू डू विल बी एम जी एच बट एम जी एच इज इन द डायरेक्शन वो तब होगा अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ू तो अगर जो काम मैंने किया इसको ऊपर उठाने के लिए तो दैट विल बी माइनस एम जी एच ठीक है तो ये वो काम था जो मैंने किया ये वो पोटेंशियल था जो यहाँ तक ले जाने के लिए इस महज़ को ए से बी तक लेके जाने के लिए मैंने किया ठीक है तो फिलहाल ये एक सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट ए दैट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क दैट आई हैड टू डू टू मूव दिस महज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तो वो वर्थ तो कहता है कि वोल्टेज भी इसी तरह ही है कि अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज को मूव करता हूँ तो मुझे उसको मूव करने में जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज़ द वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट इज़ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्टेज वो कहता है इज़ शॉर्ट फॉर वोल्टेज पोटेंशियल एंड इज़ सेम एज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको एक ही ये दोनों एक ही चीज़ें हैं तो वो कहता है इवन दो वेन वी सॉल्व सर्किट प्रॉब्लम वी डोंट कंसिडर इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम सॉल्व करते थे हम के वी एल के सी एल इस तरह की चीज़ें हमने सारी अप्लाई की हैं अभी तक सर्किट uh, थ्योरी के अंदर तो हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कॉन्सेप्ट होगा उसके अंदर लेकिन बेसिकली वो कहता है इट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड विच गिच गिव्स राइज टू द वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ही है जिसकी वजह से uh, दो पॉइंट्स के दरम्या में आपके पास वोल्टेज आता है वो किस तरह से आता है उसको भी हम देख लेते हैं तो अब वो कहता है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड वोल्टेज वी दिस इज बेसिकली द टॉपिक फॉर टुडे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एज़ ए फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या वी और ई e का आपस में रिलेशनशिप किस तरह से है या वी का ई e के साथ जो है वो रिलेशनशिप किस तरह से है तो वो कहता है इस काम के लिए इसको समझने के लिए हम एक इंतहाई सिंपल uh, एग्जाम्पल जो है वो उसको हम लेते हैं कि हमारे पास एक टू uh, एक्सेज जिसको हम एक्स वाई एक्सेस कहते हैं टू डायमेंशनल एक एक्सेज है हमारे पास और उसके अंदर वो कहता है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस वाई है वो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही है ठीक है जो उसकी डायरेक्शन जो है वो माइनस वाई हैट की डायरेक्शन में है वो कहता है ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नीचे की तरफ को है वाई के अपोजिट डायरेक्शन में है और यहाँ पे कहीं पे हमारे पास जो है वो एक चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ है अब वो कहता है कि हम कह सकते हैं इसको देखते हुए कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली वो हमारे पास माइनस वाई हैट ई इस तरह से होगी अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म से मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो कहता है क्योंकि एक चार्ज हमने यहाँ पे रखा हुआ है तो इस फील्ड की वजह से इस चार्ज के ऊपर एक फ़ोर्स लगेगी जो हमने कूलम्स लॉ के अंदर पढ़ी थी तो वो फोर्स जो होगी हमारे पास जो इस चार्ज के ऊपर लग रही होगी वो हमारे पास बराबर होती है क्यू द अमाउंट ऑफ चार्ज और उसके साथ मल्टीप्लाई होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगी यहाँ इस साइड पे इसकी फोर्स लगेगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम इसको एफ ई बोल देते हैं ठीक हो गया अब इसकी वजह से वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो कहता है इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है जो नीचे की डायरेक्शन में है अब वो कहता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि मैं इस क्यू चार्ज को इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इस पॉइंट तक ले के जाऊं तो इसके लिए क्या है कि मुझे इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा ठीक हो गया वर्क करना पड़ेगा मुझे इसके ऊपर एक फोर्स लगानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कैंसल द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है उसको मैं कैंसिल करूंगा तो फिर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा सकता हूँ अब यहाँ पे एक चीज़ हमने जहन में ये रखनी है कि वे आर डीलिंग विद इलेक्ट्रोस्टैटिक से है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी डायनामिक कंडीशन जो है वो हमारी इसके अंदर नहीं आनी चाहिए डायनामिक कंडीशन क्या होती थी मैंने ये बोला था कि एक्सेलरेशन अगर किसी चीज़ के अंदर होगी अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो हम उसको बोलेंगे कि वो डायनामिक कंडीशन है अगर वो कोई चीज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो दैट मीन्स द एक्सेलरेशन इज जीरो तो वो इतना स्टेडीली मूव कर रही है तो दैट वो हमें इट सीम्स स्टेशनरी टू अस तो हम क्या करेंगे कि हमें एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से इस चार्ज क्यू को इस पॉइंट की तरफ मूव करना है तो इस काम के लिए वो कहता है कि क्या होना चाहिए कि हमें एक इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सटर्नली लगानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मूव दिस पॉइंट चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट इज बींग अपलाइड ऑन दिस चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेसिकली uh, क्या हुआ कि अगर हम कोई एक्सेलेशन नहीं चाहते तो इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो और जो इसकी वजह से फोर्स लग रही है वो द सम ऑफ दोज फोर्सिस विल हैव टू बी ज़ीरो ताकि कोई भी फोर्स ऐसी ना हो जो एक्स्ट्रा हो जो उसके अंदर एक्सेलेशन पैदा करे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सटर्नल फोर्स है जो हमने लगानी है बाहर से दैट शुड बील्स टू माइनस एफ ई यानी कि जो ये काम करवाने के लिए जो फोर्स हमें लगानी पड़ेगी दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस क्यू ई तो अब अगर हम इसको मूव करवाना चाहते हैं तो डिस्टेंस डी एल इन दी अपोजिट डायरेक्शन ठीक है तो उसके लिए हमें जो काम करना पड़ेगा उसके ऊपर जो फोर्स लगानी पड़ेगी उसके ऊपर एफ एक्सटर्नल उसकी वैल्यू हमारे पास माइनस क्यू ई होगी तो हमने कहा था कि अगर हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो हमें उस वर्क की एक्सप्रेशन निकालनी होगी तो अब अगर क्योंकि हम इसको मूव करवा रहे हैं फॉर अ डिफरेंशियल डिस्टेंस डी तो जो वर्क होगा वो भी डिफरेंशियल होगा तो डिफरेंशियल वर्क की एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होगी वो कहाँ वो फोर्स जो हमने लगाई और वो डिस्टेंस जो उसने कवर किया ठीक हो गया अब अगर इस केस के अंदर आप देखो तो जो फोर्स हमने लगाई है वो हमारे पास क्या है माइनस क्यू ई e है और जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो यहाँ पे डी है और इसका जो यूनिट होगा ऑब्वियसली क्योंकि ये हमारे पास वर्क है तो इसका यूनिट जो है वो जूल होगा अब वो कहता है कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर हम देखें तो ई की जो डायरेक्शन है हमारे पास वो माइनस वाई हैट है तो हम क्या कह सकते हैं कि माइनस वाई हैट इंटू ई और इसी तरह जो डी है वो मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई हैट और डी ठीक हो गया तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया ये वाई डॉट वाई प्लस हो गया तो हमारे पास जो बचा जवाब वो बचा क्यू ई डी वाई डी एल क्यों डी एल को डी वाई से क्यों चेंज कर दिया क्योंकि वो सिर्फ वाई की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसने उसका वाई इट इज़ लिख दिया अब वो कहता है ये इस केस में हमारे पास वर्क है अब अगर हम कहें कि हमें वोल्टेज चाहिए था या पोटेंशियल चाहिए था तो वो होगा वर्क पर यूनिट चार्ज ठीक है तो डी डब्ल्यू ओवर क्यू दैट विल बी इक्वल्स टू द डिफरेंशियल पोटेंशियल तो वो आपके पास क्या हो जाएगा ई डी वाई फॉर दिस केस सिमिलरली अगर फॉर अमोर जेनेरिक केस हम देखना चाहते हैं तो अमोर जेनेरिक केस में हमारे पास क्या सीन था कि हमने चार्ज को ही मूव करवाना था और जिस भी जगह पे मूव करवाना होगा उसके मुताबिक हम क्या कह सकते हैं कि डी डब्ल्यू जो है हमारा वो हमारा होगा माइनस क्यू ई

जो एक्सप्रेशन है दिस इज डिफरेंशियल एक्सप्रेशन एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी अगर मैं चाहता हूँ कि कोई ख़ास दो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के दरमियान में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से करके ठीक है ये उसकी डायरेक्शन है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं उसकी डायरेक्शन को वाजे नहीं कर रहा बस एक डायरेक्शन है हमने दी हुई एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं और यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं एक पॉइंट पी वन है और एक पॉइंट हमारे पास पी टू है और अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे पोटेंशियल uh, की वैल्यू मिले इफ़ वी वांट टू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट पी वन तो उसके केस में हमारे पास द वैल्यू ऑफ वी क्या होगी uh, तो उस केस में हम लिखेंगे कि जो वैल्यू ऑफ डी वी है वो कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों साइड्स पे इंटीग्रल ले लेंगे फ्रॉम पी वन टू पॉइंट पी टू तो डॉट डी एल और इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करो तो आप कह सकते हो कि वोल्टेज एट पॉइंट टू माइनस वोल्टेज एट पॉइंट वन दैट इज इक्वल्स टू पी वन से लेके पी टू तक ई डॉट डी एल अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास बेसिकली निकल आई है किस चीज़ की अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखना है बिटवीन टू पॉइंट्स दैट इज पी वन एंड पी टू जो चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज कर सकती है वो ये कह सकती है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी एल डी एल की वैल्यू क्या है क्या डी एल की वैल्यू चेंज करने से कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा तो अब अग, अगर मैंने इस पॉइंट पी वन से इस पॉइंट पी टू तक जाना है ठीक है तो मेरे पास एक तो ये पाथ है मैं डीएल ये ले सकता हूँ दूसरा मैं कोई भी और पाथ ले सकता हूँ ऐसे ऐसे करके भी जा सकता हूँ ठीक है ऐसे करके भी जा सकता हूँ इसी तरह मैं ऐसे करके भी जा सकता हूँ तो इन एनी केस वो कहता है कि क्या ये वाली पाथ फॉलो करके जो मैं यहाँ पे पहुंचूंगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा सिमिलरली अगर ये वाला पाथ मैं फॉलो करके यहाँ पहुंचूंगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा जो ये होगा क्या पाथ जो है वो Uh, उसका कोई इफेक्ट नहीं है टूअर्ड्स इंक्रीज इन पोटेंशियल ये अब इसका क्वेश्चन है जिसको हमें आंसर करना पड़ेगा क्योंकि वंस वी आंसर दैट क्वेश्चन देन वी नो दैट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड तो फिर हमें पता है जी हम डी की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा आसान हो हम वो वैल्यू ले सकते हैं अब इस बात को समझने के लिए वंस अगेन वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ दैट मैथ हमने क्या किया था हमने वही मैस की एग्जाम्पल ले ली अब वो कहता है कि ये मैस था इस मैस को हमने यहाँ से यहाँ पे उठा लिया ठीक है इसकी जो हाइट बन गई वो एच वन बन गई तो एट दिस पॉइंट जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी होगी वो आपके पास क्या होगी एम एच वन सिमिलरली वो कहता है कि अगर हम ये काम करें कि हम पहले इस मैस को जरा राइट को मूव करवाएं ठीक है और ये अगर पॉइंट ये था हम इसको पॉइंट बी पे लेके गए जो वंस अगेन ऑन द ग्राउंड ही था तो P, पे वो गया और फिर पॉइंट बी से हमने इसे फर्दर ऊपर उठाया एच वन वाली साइड पे ठीक है तो क्या यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा अब वो डिफरेंट होगा या वहाँ यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो भी एम एच वन ही होगा तो आई थिंक वी ऑल नो टू दिस क्वेश्चन इज के वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी द सेम बिकॉज कि इस केस में जो हाँ हमने इसको मूव करवाया है उसने उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं लेके आया वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी बदलाव जो है वो नहीं लेके आया जो पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आया वो ड्यू टू अपवर्ड मोशन आया सिमिलरली अगर हम यहाँ से यहाँ पे गए हैं तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं इस एक पोटेंशियल वाली जगह से दूसरी पोटेंशियल वाली जगह पे जा रहे हैं तो वो अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्डली चले जाएं तब भी वही है अगर हम ये कर्व्ड पाथ से जाएंगे तो इसको हम फॉर कर्व्ड पाथ हम क्या किया करते थे हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने जाना इस तरफ था और हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है कैलकुलेट दैट वर्क तो उसके लिए हमें पता है कि अगर हम ये कर्व्ड पाथ है तो इसके दो uh, जो हैं वो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं एक कंपोनेंट वर्टिकल है एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ दैट डी एल और जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है दिस इज़ बीइंग वेस्टेड तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं है वो तो वेस्ट हो रहा है जो यहाँ से ऊपर जा रहा है वो नीचे भी आ रहा है जो नीचे जा रहा है वो ऊपर भी आ रहा है वो सब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इन दी एंड वी विल रीच एट पॉइंट पी टू तो इसका बा, इस इस बात का सारे का मकसद जो है वो ये है कि हम जहाँ से मर्जी चले जाएँ जो हमारा पोटेंशियल है पी वन और जो पोटेंशियल है पी टू पे दैट विल ऑलवेज बी द सेम हमें जो डिफ्रेंस मिलेगा इन बिटवीन दिस टू पोटेंशियल्स दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज टू रीच पॉइंट पी टू फ्राम पॉइंट पी वन तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसकी एग्जांपल देखी इसके थ्रू भी हमने ये चीज़ देखी फिर हमने एक वर्क की एग्जांपल देखी उसके चीज़ भी हमने उसके थ्रू भी हमने ये एक चीज़ देखी तो वो यही कह रहा है कि क्योंकि हमने uh, इस चीज़ को देख लिया uh, कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी वजह से काउंट वही ई होना है जो इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहीं और से जाएंगे भी तो वी विल बी वेस्टिंग आवर एनर्जी जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है इन ऑर्डर टू मूव समथिंग या इन ऑर्डर टू मूव आवर चार्ज फ्रॉम पी वन टू पी टू वो हमारा जो है वो सेम ही रहेगा इर रिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड इसकी अगर हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल डेली लाइफ में भी देखना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि मैं इधर से एडमिन uh, की बिल्डिंग तक गया हूँ आपकी किसी क्लास से ठीक है या अपने ऑफिस से मैं एडमिन की बिल्डिंग तक गया हूँ तो बेसिकली जो डिस्टेंस है मेरा जो मेरा पोटेंशियल चेंज हुआ वो मेरी हाइट की वजह से चेंज हुआ ठीक है और सिमिलरली अगर मैं वापस आया हूँ और मैं ऊपर से मस्जिद वाली साइड से घूम के आया हूँ तो वंस अगेन जो मैं वापस अपने ऑफिस आया हूँ तो जो मेरा पोटेंशियल uh, के अंदर जो मेरा चेंज आया है वो मेरा uh, वही है जो मेरा मेरी हाइट के चेंज होने की वजह से है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मैं इस P1 से चलू ठीक है इस P1 से चलू और मेरा चार्ज यहाँ से इस पी तक जाए और उसके बाद वो ये कोई रैंडम पाथ फॉलो करता हुआ वापस P1 पे आ जाए तो क्या होगा इसका जवाब आपको सोचना है ऑब्वियसली मैं यहाँ से चला मैं यहाँ पे पहुंचा मेरा पोटेंशियल चेंज हुआ यहाँ से मैं वापस जिस मर्जी पाथ से आया जब मैं यहाँ पे वापस आ गया हूँ तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ से चला था मैं वहीं पे वापस आ गया हूँ इसका मतलब ये हुआ के जो टोटल मेरा आ, काम था वो जो मुझे करना पड़ा वो ज़ीरो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो प्लस में मैंने काम किया वो वहाँ से वापस आने के लिए मैंने माइनस में किया और जब मैं टोटल करूँगा तो प्लस वाला माइनस को कैंसिल कर देगा और मैं जहाँ पे था मैं वहाँ का वहाँ ही रह जाऊँगा तो ये मैंने आपको क्यों बताया क्योंकि के आपने पढ़ा जिसमें उसने कहा था कि द नेट वोल्टेज ड्रॉप अराउंड अ क्लोज लूप इज़ ज़ीरो तो वो हमने याद तो कर लिया कि वो क्लोज लूप में जीरो है उसकी रीज़न क्या है उसकी रीज़न यही है कि इफ़ वी गो फ्रॉम पॉइंट पी वन टू पी टू बाय वन जो हमने ये कह दिया कि ये हमारा पाथ वन है एंड रिटर्न फ्रॉम पॉइंट पी टू टू पॉइंट पी वन बाय टू इधर से हम गए पाथ वन से और पाथ टू से हम वापस आ गए पी वन के ऊपर तो हमारा ये जो एक आ, 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 राइट साइड थी इस इक्वेशन की ये क्लोज कॉन्टूर बन गया अभी तक तो ये नहीं था क्लोज क्लोज इसलिए नहीं था क्योंकि हम पॉइंट पी वन से पी टू तक जा रहे थे लेकिन अगर हम वापस आ जाते हैं पी वन के ऊपर तो इसका मतलब क्या है कि ये क्लोज कॉन्डोर बन गया ना एक क्लोज पाथ बन गया हम वापस उसी जगह पे आ गए और एट दैट पॉइंट आपके पास पोटेंशियल का कोई डिफरेंस नहीं रहा आपका जो सी बना वो आपका ज़ीरो बन गया तो ये जो एक चीज़ है ये इस इसको हम बोलते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ठीक है और एक और चीज़ है कि इसको हम आ, जो भी ऐसी फील्ड हो जिसका क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल जो है वो हमेशा ज़ीरो हो उसको हम बोलते हैं कि वो फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है ठीक है तो इसको हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट विल ऑलवेज बी अन् कंजर्वेटिव फील्ड विच मीन्स कि अगर हम एक क्लोज पाथ में मूव करेंगे और जहाँ से चले थे वापस उसी जगह पे आ जाएंगे तो हमेशा जो सम होगा ये जो इंटीग्रल होगा फॉर दैट क्लोज पाथ वो हमेशा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा यही चीज हमें मेंशन की की थी मैक्सवेल क्वेश्चन हमारे पास थी ये अगर आपको याद हो तो ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि द कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज ऑलवेज जीरो तो इसका मतलब क्या हुआ ये कैसे उस तरह से लिंक कर रही है अगर हम इसको इसके ऊपर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करें इसको दोनों साइड्स पे इसके हम सरफेस इंटीग्रल ले लें ले, तो स्टोक्स थ्योरम हमें क्या कहता होता था कि अगर इसकी साइड पे हम सरफेस इंटीग्रल ले लेते हैं तो हमारे पास ये बराबर हो जाता है किस चीज़ के क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल के ठीक है एंड दैट फ्रॉम दिस पार्ट इज टू ज़ीरो तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज़ ईक्स टू ज़ीरो अब अगर आप कहें ना कि प्रूफ इस चीज़ का क्या है तो प्रूफ बाय यूजिंग दिस मैक्सवेल इक्वेशन हम बड़ा इजीली निकाल सकते हैं हमने क्या किया हमने ये पकड़ा इसके ऊपर हमने स्टोक्स थ्योरम अप्लाई किया स्टोक्स थ्योरम जब हमने अप्लाई किया तो स्टोक्स थ्योरम हमें पता है कि एक साइड अगर हमारी ये वाली हो तो स्टोक्स थ्योरम कहता है कि ये इक्वल है इस चीज़ के इस चीज़ को हमने वेरीफाई भी किया तो वो कहता है ये इक्वल है इस चीज़ के और थ्रू दिस इक्वेशन हमें पता था कि ये इक्वल है जीरो के इसका मतलब क्या हुआ कि दिस थिंग इज़ इक्स टू जीरो तो ई डॉट डी एल आपका जो है वो बराबर है जीरो के तो uh, ये हमें ये शो करता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल uh, है दैट इज़ बेसिकली कंजर्वेटिव इन नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेसिकली दैट इज़ कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव इन नेचर तो इसके बाद वो एक लास्ट चीज़ जो मेंशन करता है वो ये कहता है कि एबसुलूट वोल्टेज एट अ पॉइंट इट हैज़ नो मीनिंग्स अगर हम कहें ना कि मुझे इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज निकाल के दो तो उस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज क्या होता है वोल्टेज का आपको पता है कि वोल्टेज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट आप ये नहीं पूछ सकते कि यार इस एक पॉइंट के ऊपर मुझे बताओ कि वोल्टेज क्या है ये चीज़ नहीं है जब भी आप कहते हो कि इस एक पॉइंट के ऊपर वोल्टेज क्या है तो इसका मतलब ये है कि यू आर कंपेयरिंग दैट पॉइंट पॉइंट विद एन एट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इज जीरो ठीक है ग्राउंड जब भी आप कहते हो ना कि मेरे पास इस तार के अंदर 220 वोल्ट है तो वो 220 वोल्ट उस तार के ऊपर उस पॉइंट के ऊपर नहीं है बेसिकली क्या कर रहे हो आप, आप उस तार का डिफरेंस देख रहे हो फ्रॉम ग्राउंड फ्रॉम न्यूट्रल और फिर आप कह रहे हो कि हाँ भाई ये जीरो है

वो जो रेफरेंस वोल्टेज पॉइंट है उसको हम कहते हैं कि वो इन्फिनिटी है मतलब अगर आप मुझे कहो कि मुझे एक पॉइंट के ऊपर वी निकाल के दो तो मैं उसकी एक्सप्रेशन अगर लिखूँगा तो मैं वो कुछ इस तरह से लिखूँगा ई e डॉट डी एल और उस पॉइंट पे और ले कर कहाँ से आना है मैंने इन्फिनिटी से तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं कहूँ कि मुझे एक पॉइंट के ऊपर वोल्टेज निकाल के दो तो मैं उसको डिफ़ाइन कैसे करूँगा इन इंग्लिश वो मैं ये डिफ़ाइन करूँगा कि द अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज़ रिक्वायर्ड टू डू ऑन ए चार्ज टू ब्रिंग दैट फ्रॉम एन इन टू दैट पॉइंट वो जो काम मुझे करना पड़ेगा वो बेसिकली है वो हमारे पास वोल्टेज होगा तो ये हमारे पास सारी की सारी डेरिवेशन हो गई इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल की और हमने जो है वो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा बहुत हमने समझने की कोशिश की ठीक है तो इन द नेक्स्ट लेक्चर We will try to move towards uh, the calculation of electric potential due to point charges, and uh, after that, we will move towards calculating the electric potential due to continuous charge distributions that contains uh, line charge distribution, over surface charge distributions, and volumetric charge distribution. After that, we will uh, study a, a reverse. रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने देखा कि पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन था फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है उसको स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो uh, आगे फर्दर मूव करेंगे सो दिस इज़ इट फॉर टुडे इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आर वेलकम टू आस्क योर क्यूरीज थैंक यू वेरी मच